वेलकम टू अजमेर रसोई। आज हम बनाएंगे कलाकंद। ये सिर्फ तीन चीज़ों से बनाया जाता है और अभी होली भी आने वाली है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए दूध 1 लीटर, पनीर जिसे मैंने घर पर 1 लीटर दूध से बनाया है ये करीब 200 ग्राम है, शुगर 100 ग्राम। सबसे पहले कढ़ाई में हम दूध डालेंगे और इसे बॉईल करेंगे। जब तक हम हमारे पनीर को अच्छे से मसल कर सॉफ्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे अच्छा सा मसल कर सॉफ्ट कर लिया है। ये हमारे दूध में उबाल आ चुका है। अब हम इसे 1/3 होने तक बॉईल करेंगे। हमें इसे बीच बीच में हिलाते हुए चलाना है ताकि ये तले से चिपके नहीं। हमारा दूध 1/3 हो गया है। अब हम इसमें शुगर डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप शुगर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। शुगर घुलने तक आप फ्लेम को हाई कर दें। हमारी शुगर घुल चुकी है। अब हम फ्लेम को लो कर पनीर डाल देंगे। पनीर को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब तक हम फ्लेम को लो रखेंगे। हमें इसे ज़्यादा लिक्विड भी नहीं करना है और ना ज़्यादा गाढ़ा करना है। हमें इसे ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे। हमें इसे इतना ही पकाना है ताकि इसकी बर्फी अच्छे से सेट हो जाए। अगर हम इसे ज़्यादा पकाएंगे तो ये ड्राई हो जाएगी और बिखरने लग जाएगी। ये हमारी तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसे एक बर्तन में बर्फी सेट करने के लिए डालेंगे। मैंने इसके बटर पेपर लगा रखा है। हम इसे अच्छे से दबाकर ऐसे सेट करेंगे। अब हम इसकी ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग करेंगे। अब हम इसे 40 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए फैन के नीचे रख देंगे। हमारी बर्फी को 40 मिनट हो चुके हैं और ये सेट हो चुकी है। अब हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। ये हमारा कलाकंद तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत टेस्टी बना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।